Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about new latest vacancies. ठीक है, तो ये वैकेंसी है आपकी जितनी भी मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, जिन्होंने DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या फिर अब वो JSO के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उससे सिमिलर एक और उनकी कुछ पोस्ट आई हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में ऑफिसर्स ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2024 की आपके लिए एक एडवर्टिजमेंट अभी आया है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 25 जुलाई से. ठीक है, अभी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 25 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा और ये 16 अगस्त तक चलेगा. उसके बाद आपका एग्जाम इसमें क्या आएगा, आपका फेज वन आपका 8 सितंबर तक हो जाएगा, फेज टू आपका अक्टूबर में होगा. ठीक है, अब एग्जाम डेट जब भी होंगी वो एज पर द स्केड्यूल आपका पब्लिश हो जाएगा. और ये आपके यहाँ पर फीस है, ठीक है, जनरल और ओबीसी EWS 850 और SC ST 100 है. आप पे जैसे भी आपका नेट बैंकिंग सिस्टम है सबके थ्रू कर सकते हैं. एज लिमिट है यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30, और एज रिलैक्सेशन जो भी ग्रेड का यहाँ रूल होगा वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट अभी तो आया है, जब आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है किस किस पोस्ट पे. तो 94 पोस्ट है टोटल. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिसर ग्रेड बी जनरल पोस्ट में आपका कोई भी डिग्री हो, ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स है. ठीक है, फॉर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50% मार्क्स, या फिर मास्टर डिग्री हो इन एनी सब्जेक्ट जिसमें 55% मार्क्स आए हो आपके. ठीक है, और फॉर SC ST और PH के लिए आपके लिए पास होना चाहिए खाली, और जितना भी डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तो आपको पूरी डिटेल नॉलेज इसके अकॉर्डिंग कितना क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा. वहीं पे ऑफिसर ग्रेड बी DEPR इसमें क्या आपका चाहिए, 21 पोस्ट आई है जिसमें मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स है, या फिर मास्टर डिग्री इन फाइनेंस है, या PGDM या MBA है. वहीं पर ऑफिसर ग्रेड बी DSIM जिसमें पोस्ट 7 आई है, जिसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स विद 55% या 55 मार्क्स इन ऑल द सेमेस्टर, या फिर जिनका ईयर सिस्टम है, SC ST के लिए 50% है. तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट है आपकी स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिक्स वाले में आपकी 7 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस PGDM MBA वाले 21, और जो भी किसी भी डिग्री से है उनके लिए 66 पोस्ट है. ठीक है, तो इसका देखो RBI है तो लेवल भी अच्छा होगा. अब ये 25 से जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तब उसके अंदर आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन होगा कि क्या आपकी पैटर्न होगा एग्जाम का, कैसा एग्जाम होना है, क्या क्या रिलैक्सेशन है, वो सारी चीजें अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है. तो आप एक बार, मैं आपको जब ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड आ जाएगी वेबसाइट पर तो मैं आपको इसके बारे में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. मगर अभी आपके लिए एक और नई पोस्ट आ गई है, तो आप जो भी स्टैट्स वाले हैं, तो अगर जो DSSB के लिए भी तैयारी कर रहा हो तो ये उनके लिए भी फायदे की चीज है. ठीक है, यही नहीं है कि एक पर ही फोकस रहे, उस जैसे कई सारी चीजें करें, JSO के लिए करें. JSO के लिए एक का मैसेज आया हुआ था कि मैम क्या JSO में कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते, तो उसमें था कि कोई भी हो, ठीक है, अगर किसी और या तो उसने स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर 12th में उसके मैथ्स में 60% मार्क्स आए. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया अगर जो भी फुलफिल कर रहा होगा वो उस पे अप्लाई कर सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.